अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं मौजूद हूँ क्वेटा वीमेन एक्सपो में, जो कि हो रहा है दरबार हॉल में, और यहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स ही मेजॉरिटी जो है ख़वातीन ने लगाए हुए हैं, और जो स्टॉल्स जो ख़वातीन ने नहीं भी लगाए वहाँ पर मौजूद जो काम है वो इंटीरियर बलूचिस्तान में जो ख़वातीन ने तैयार किया है वो मौजूद है। और ये जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है दोच और हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके ऑर्गेनाइजर से और उनसे जानेंगे कि आखिर इस एक्सपो कराने का सबसे अहम मकसद क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगा जमान शाह, उनसे जानते हैं कि इस इवेंट को करवाने का सबसे अहम मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आगा जमान शाह। सबसे पहले इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह दिगर प्रोविंसेस में ये स्टॉल लगते थे, वुमेन एक्सपो होता था, तो हमारी जो वुमेन्स जाती थी वहाँ पर शिरकत करती थी, तो उनको मतलब वो वहाँ के लोग जो डाइवर्सिटी होती थी वो बार बार यही सवाल करते थे कि क्या बलूचिस्तान में ऐसा कोई एक्सपो होता है कि हम भी दीगर प्रोविंस से उठ के यहाँ पे आए और हम एक्सप्लोर करें देखें। तो इस वजह से हमें पे हम एक दिन बैठे थे तो ऐसे ही टीम ने कुछ ख्याल का इजहार किया, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर एक्सपो करवाए। तो इस हवाले से जो है हमने ये इनिशिएटिव लिया, जिसमें जो है मैडम दीदार है, मैडम जुलेखा है और मैडम शाहिदा है, और उसके साथ हमारी टीम है पूरी 6-7 ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे। मुझे बताइएगा यहाँ पर कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं और आप लोगों का रिस्पांस कैसा देख रहे हैं? वो क्या यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर जो दूसरी आई हुई उनको भी? बेसिकली यहाँ पे जो है 40 से 40+ स्टॉल्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा ट्रेडिशनल स्टॉल ज़्यादा लगे हुए हैं, लाइक सिंध के जो ट्रेडिशनल स्टॉल्स है या ट्रेडिशनल जो खाने या फूड या पहनने की जो ड्रेसेस वगैरह वो लगे हैं, केपीके के पंजाब के, और इसी तरह बलूचिस्तान के भी जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं तो वो यहाँ पे जो है ज़्यादा लगे हुए हैं। और लोग आजकल जो है लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल हाथ से स्विंग जो सिलाई करने वाली चीज़ें वो ज़्यादा आजकल जो है मार्केट में ज़्यादा उनकी डिमांड है, तो इसलिए लोग ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस एग्जीबिशन में पाकिस्तान भर से ख़वातीन आई हुई हैं अपने प्रोडक्ट्स लेकर, चाहे वो कल्चरल चीज़ें हों चाहे वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो। यहाँ हमारे साथ मौजूद है मारिया, जो कि एक ब्रांड चला रही हैं, और इस ब्रांड में उनकी मदद करने वाले उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं। आइए उनके ब्रांड के बारे में मालूमात उनसे हासिल करते हैं। जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम जी। अब बताइएगा कि आपके पास क्या ख़ास किस्म की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं? सबसे पहले तो मैं क्वेटा आई हूँ, आप क्वेटा वालों का बहुत शुक्रिया। और मेरी प्रोडक्ट जो है सबसे अहम बात यह है कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, हैंडमेड है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल, पैराबेन, स्टेरॉइड इस तरह से नहीं है, स्किन के लिए सेफ है, हलाल है। ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं, जो ऑयल्स के थ्रू सोप बनता है वो वाला कोल्ड प्रोसेस सोप है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे एडिटिव्स के साथ मैं बनाती हूँ। वेब सोप मैं इंट्रोड्यूस आज यहाँ प्लेटफॉर्म से करवा रही हूँ। स्क्रब है मेरे पास, मास्क है, बोटैनिकल टी है, फुट सोक है, बहुत सारी वैरायटी है। आइए हमारे पास एग्जीबिशन अटेंड करें। व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो 03002191459। अच्छा, मुझे बताइएगा इन प्रोडक्ट्स की तैयारी में आपके हेल्प कौन करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इतने ज़बरदस्त चीज़ें हैं, क्रीम है यहाँ पर, सोप है, स्क्रब है, कोई एक बंदा तो ये मुकम्मल तैयारी कर नहीं सकता। जी वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि मेरे बस बच्चे और मेरे हस्बैंड ही हेल्प दे पाते हैं, उनसे जो भी हेल्प होती है वो देते हैं। मेरा बेटा करता है ये ग्राफिक्स का सारा काम, मेरे बेटे ने किया हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल मेरा दूसरा बेटा रन करता है, यूट्यूब चैनल भी मेरा इंसेंस बाय मारिया के नाम से है। बाकी ये हकीकत है कि मैं इसको अकेले ही रन कर रही हूँ। अच्छा, वो ख़वातीन जो आपकी तरह इंडिपेंडेंटली ये सारे काम करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? गिव अप ना करें। आइए अब मैं आपको विजिट करवाती हूँ उन स्टॉल्स का, जो कि क्वेटा की ख़वातीन ने लगाए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और स्टॉल पे, जिसका नाम है डिम्पल बलोच हैंडीक्राफ्ट स्टॉल, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है माहिना, और ये हमें बताएंगी स्टॉल के बारे में और इस सारी चीज़ों की तैयारी में उनका साथ कौन दे रही हैं, उनके साथ उनकी दोस्तें हैं या फिर ये इंटीरियर बलूचिस्तान से चीज़ें तैयार होकर आती हैं, क्योंकि काम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल लग रहा है और बहुत ही सफाई से और नफासत के साथ किया गया है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिन बलोच है, मैं क्वेटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। पिछले 3 साल से मैं और ये मेरी दोस्त ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, और मेरे बहुत दोस्तों ने सपोर्ट की है, मतलब हम दूसरों के आइडिया से
यहाँ से हम स्टूडेंट भी हैं, अपने स्टडीज़ भी कैरी कर रहे हैं और यहाँ से हम अपने बिजनेस भी चला रहे हैं। हमने देखा कि हमारे बलोची कल्चर के बहुत ही हमें ऑर्डर्स वगैरह मिले और हम लोग चाहते थे कि हम लोगों की बलोची कल्चर बहुत आगे चले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी कर लिया हम बहुत आगे चुके हैं और मैं बहुत थैंकफुल अपने दोस्त की जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है एंड मैं बहुत थैंकफुल अपनी मदर की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। अगर फैमिली की तरफ से आपको कहीं से सपोर्ट मिले तो आप आगे निकल सकते हैं। थैंक यू। आपके पास मुझे बताएगा क्या ख़ास किस्म की चीज़ें मौजूद हैं और लोग जो हैं किससे की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि डेकोरेशन के सामान की ज़्यादा डिमांड करते हैं या फिर ट्रेडिशनल क्लोथ्स, पगड़ी वगैरह, इन सारी चीज़ों की? जी, जैसे अब मेरे पास ये है बलोची गर्ल और ये 90s पे है, ये बहुत हम लोग की बलोची यूनिक है। और जो मैं आजकल ऑर्डर ले रही हूँ बलोची ड्रेसेस की, लाइक ये है ब्राइडल्स की मैं लेती हूँ और आजकल जो ट्रेंड चल रही है लेडी कुर्ता, तो उनके हमारे हम लोगों के लिए बहुत ऑर्डर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने ऑर्डर्स लिए और हम लोग के क्लाइंट्स ने उनको हमें और भी सपोर्ट करा और उनको पसंद आ जाती है, तो हम हमारे पहचान ये है कि हम अपनी चीज़ें सपोर्ट करने की आ जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने माहिन से बात की, अब हम बात करेंगे उनकी कज़न से जो कि यहाँ पे इनके साथ आई हैं, उनसे जानते हैं कि उनका ये खूबसूरत ये जो काम है उसको देखकर उन्हें कैसा महसूस होता है और उनको ये सपोर्ट कैसे कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये क्योंकि मैंने उनको देखा है ना बचपन से, हम एज ग्रुप के, एक ही एज ग्रुप के हैं, तो मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है। इवन मेरी अम्मी वाले, फैमिली वाले, जिन जिन को पता चला है वो बहुत खुश हो रहे थे, वो हमें कहते तुम लोग भी इस तरह कुछ करो, इनिशिएटिव करो। तो अब जो आप ट्रेडिशनल चीज़ें देखती होंगी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मैंने अपने लिए कुर्ता बनवाया तो मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मुझे नहीं मिला अच्छा सा जो लेडी कुर्ता होते बलोची, मैंने इसने मुझे वो ऑर्डर पे मुझे बनवा के दिया और वो बहुत माशाल्लाह प्यारा था। और वो कुर्ता जहाँ पे भी मैं पहनती हूँ ना तो लोग मुझसे पूछते, तो फिर मैं इसका नंबर दे देती हूँ, फिर वो इसके ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब हम मौजूद हैं HP क्राफ्ट्स का ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ हमसे बात करेंगे हुजूर बख्श और बताएंगे अपने स्टॉल के बारे में और यहाँ पर ये सारी चीज़ों की तैयारी किसने की है और कितना टाइम लगता है उस हवाले से भी। जी अस्सलाम। मैडम ये हम लोग को HP क्राफ्ट है, मैं एक स्टूडेंट हूँ बेसिकली यहाँ पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं दस्तकारी की हैं, हमारे इलाके लेड़ी और सिबी में बनते हैं, मैं वहाँ से बनवाता हूँ और फिर ये यहाँ पे स्टॉल भी लगाए मेरा, वैसे घर में वो सेटअप बना हुआ है सारा और ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज करता हूँ। ये अक्सर हमारी चीज़ें जो है बलोची कल्चर की हैं, तो इसमें बहुत सारे ख़वातीन के साथ हम लोगों का कंटेक्ट है, जो भी काम करना चाह रहा है तो हम उसे ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें बना के देते हैं। कितनी ख़वातीन आपके साथ काम करती हैं, उन्हें कितना मुनाफा मिल जाता है? ये जैसे कि एक पगड़ी तैयार की गई है या फिर ये एक बैग तैयार किया गया, इस पर कितना उन्हें मुनाफा मिलता है? उन्हें तकरीबन मंथली जो काम करना जानती हैं अच्छी तरह या काम करते हैं तो उन्हें तकरीबन 10,000 से 12,000 घर में बैठे बचत उन्हें होती है, फिर उससे हमें भी काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। तो दिन में ख़वातीन हैं ये जो चादरें हैं पीछे वो 3 दिन में बनाती हैं, कोई ख़वातीन 4-5 दिन में भी बनाती हैं, वो 3,000 का एक चादर। तो अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं अपने स्टॉल पर? काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज गर्मी की वजह से शायद रश कम है, लेकिन शाम को इम्कान ज़्यादा हैं कि लोग आ जाएंगे और रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो ये एनी खान के नाम से एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर वाकई में जो कहते हैं ना ट्रेडिशनल ज्वेलरी वो मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानियाज़ कलेक्शन के स्टॉल पर और यहाँ हमारे साथ मौजूद है सायरा, यहाँ की को फाउंडर, और वो हमें बताएंगी स्टॉल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर काम जो हमें देखने को मिला है वो बुनाई का है, हाथों से किया हुआ बहुत ही खूबसूरती से। आइए जानते हैं स्टॉल के बारे में। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा है और मेरी ब्रांड का नाम रानियाज़ कलेक्शन है, मैं को फाउंडर हूँ रानियाज़ कलेक्शन की और अब चीज़ें बनाने के साथ साथ मैं एज अ सेल्स गर्ल काम करती हूँ। अच्छा, मुझे स्टॉल के बारे में बताइए क्या ख़ास किस्म की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं? मेरे पास वैसे तो हमारा काम जो है आपको पता है सीजनल होता है, लेकिन इसमें मैं इनोवेशन के साथ कुरेशी की ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स लेकर आई हूँ और मेरी डॉल्स हैं जिसमें बारबी है, मोना है, और जो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। इसके अलावा मैंने टीवी लाउंज वगैरह के लिए मैंने बहुत खूबसूरत हैंडमेड क्रोशिए के फ्लावर्स बनाए हैं जो कि वॉशेबल हैं और उसमें हम बंच भी देते हैं और अलग अलग फ्लावर्स भी सेल करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या प्राइस वगैरह रखी हुई है आपने? मेरी जो प्राइस है चीज़ों की वो 30 रुपीज़ से लेके 50,000 तक है। ठीक है
है, जैसे ये स्वेटर कितने का है और ये डॉल जो है कितने की है? जैसे मैं आपको एक डॉल दिखाती हूँ, ये डॉल स्मॉल डॉल जो है ये 300 की है और बड़ी वाली डॉल जो है बारबी मैं 800 में सेल करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक छोटा सा आर्ट एग्जीबिशन भी हो रहा है जहाँ क्वेटा के बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं अपने फन पारे लेकर। उनमें से एक क्वेटा के एक मशहूर आर्टिस्ट बिस्मिन मरी भी हैं, जिनका इंटरव्यू हम पहले भी कर चुके हैं और उनके फन पारे जो हैं अपनी मिसाल आप हैं। और अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई विल अपलोड दैट इंटरव्यू। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लारिब खान और ये जो स्टॉल है M&M इन्हीं की जानिब से लगाया गया है और उनसे जानते हैं उनके ब्रांड के बारे में। जी बताइएगा लारिब, ये सारे ब्रांड्स के बारे में और ये प्रोडक्ट्स जो क्या है, क्या काम कर रहे हैं? जी हम लोग की, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। ये सारा ओवरऑल जो है ये होम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सारे हर्ब्स से बनाए गए हैं। और इसमें जो है मेरे पास सबसे पहले जो है हेयर ऑयल, ठीक है, हेयर ऑयल हमारे इसलिए काम किया जा रहा है कि आपके जो जिन्होंने बालों में डाई किया होता है उनके सारे बाल ख़राब हो चुके होते हैं, अगर वो करें करवा भी रहे हैं तो ये आप यूज़ करें उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये शैम्पू है, ठीक है, इससे आपके बाल जो हैं जट ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है, जिनके कलर होते हैं उनका कलर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन जो चाहते हैं कि हमारे बाल ब्लैक रहें उनके बाल ब्लैक रहेंगे और सॉफ्ट शाइनी, और जिनकी फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाएगी। पेन रिलीफ ऑयल आता है, पेन रिलीफ ऑयल पेशेंट्स के लिए हैं, अक्सर घर में हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, बूढ़े हजरात हैं, ख्वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जिनके मसल जॉइंट पठों में इन जगहों पे दर्द होता है उसके लिए बेस्ट है, जिसने लिया उसने बार बार दोबारा ये लिया है। क्या प्राइस होगी इन सारी चीज़ों की? इसकी जो प्राइस है पेन रिलीफ ऑयल की, इसकी है 1500 और जो है हमारे पास हेयर ऑयल है 100 ml जो है इसकी प्राइस है 1200 और इसमें जो 200 ml है उसकी है 2400। अच्छा, अगर आप लोग सोचोगे प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये टोटली 40+ 40-60+ जो है हर्ब से बना हुआ है, इसमें कोई और इंग्रेडिएंट नहीं है सारा। और इसकी जो प्राइस है 400 ml है और इसकी प्राइस है 1500। अच्छा, मुझे बताइएगा इस ब्रांड को शुरू करने के बारे में आपने कब सोचा, किस तरह सोचा, क्या आइडिया था इसके पीछे? जी जी, मेरी जो खैर से मेरी मदर हैं वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, उनका फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टर है वो, तो उनकी रिसर्च थी, वो खैर से माशाल्लाह जापान भी गई हुई हैं, कोरिया गई हैं, वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, उन्होंने 2008 से इस पर वर्क करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दी थी, वो करते 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 आज से 2.5 साल पहले तो इन्होंने ये अपना लॉन्च किया है। और हमने पहले जो हमारी पैकिंग थी स्टार्टिंग जो थी, जो सबसे पहले सोप बनाया गया था, ये सोप बनाया था और इसकी जो पैकिंग स्टार्टिंग की थी वो जैसे कप्स होते हैं ना, कप्स में बनाया था, कप्स के बाद फिर इसमें बनाया, एक लोकल था। और आज ये इसको 15 डेज़ हुए हैं कि हमने इसको पैकिंग में शिफ्ट किया है, इसकी रिव्यू लेके आए ताकि ये मार्केटिंग में आए, ताकि पता चले लोगों को कि जुबलिस्तान का जो शहर क्वेटा है वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में हम लोगों का कहा जाता है कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों का ये जो भी देखे गया जिसने भी यूज़ किया है उनके यही रिव्यूज़ आए हैं कि बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। वो लोग जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, चीज़ें खरीदना चाहते हैं, वो किस तरह कॉन्टैक्ट करें आप? हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे herb.shopee herb.shopee, ठीक है, और आप ये स्टैंडी पे भी देख सकती हैं, इसमें व्हाट्सएप नंबर, जीमेल और ऑन कॉल सब कुछ नंबर दिया, प्रोवाइड किया हुआ, काइंडली आप वहाँ पे दिखा दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो अभी मैंने आपको लकड़ी के प्रोडक्ट्स सिखाए हैं जिनमें कि मिरर है, बॉक्सेस हैं और डेकोरेशन का सामान है, ये मुजफ्फराबाद और कश्मीर का बनाया हुआ सामान है। आप लोग कल जब आएंगे ना तो इनको ज़रूर देखिए, इंतहाई खूबसूरत है और आपके घरों की रौनक को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ आप जब स्टॉल्स पर आएंगे देखेंगे चीज़ों को और लोगों की कहानियाँ जानेंगे, जो कि यहाँ का अहम मकसद है कि मेरी पहचान, ठीक है, तो आप जब उनकी कहानियाँ जानेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि क्वेटा की खवातीन किसी से पीछे नहीं है, हमारा बलूचिस्तान किसी से पीछे नहीं है और ना ही बलूचिस्तान की खवातीन किसी से पीछे हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे वो डेकोरेशन का सामान हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो यहाँ पे मौजूद। हमें तो प्रमोट करना चाहिए, इंटरनेशनल चीज़ों को भूलो, अपनी लोकल चीज़ों को बाय करना सीखो। तो कल जो है, कल भी एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन जो है वो रात 10 बजे तक तकरीबन रहेगा,
तो आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर आइएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ ड्रेसेस नहीं हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन का सामान, यहाँ पर बुक्स भी, यहाँ पर इसके अलावा फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं कि आप बोर ना हो अगर आपको भूख लग रही है। और कोशिश कीजिएगा कि शाम के वक्त आइएगा, क्योंकि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप लोग शायद यहाँ पर ज़्यादा इन्जॉय ना कर पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।